अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद यकूब और आप देख रहे हैं यकूब एंड द टीवी। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये माल्टे का बाग दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये माल्टे का बाग लगा हुआ है और इसे फूल भी लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फूल लगे हुए हैं और अभी माल्टे नहीं लगे। तकरीबन 1.5 माह के बाद इसे माल्टे भी लग जाएंगे। अभी ये फूल है ना, फूलों के बाद छोटे छोटे लगेंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले शायद कभी आपने माल्टे का बाग देखा है या नहीं। ये देखें जी, ये पूरा बूटा है जी, पूरा पौधा है माल्टे का। इसकी हाइट तकरीबन 10 फुट है और तकरीबन 10-12 फुट में ये फैला हुआ है एक पौधा। तो ये आप देख सकते हैं, जब ये बाग लगाया जाता है तो इसको लाइनों में लगाया जाता है ताकि इसकी लाइनें सीधी हों। तो रस्सी भी रखते हैं, रस्सी रख के लाइनों में लगाते हैं इसे ताकि इसकी लाइनें सीधी रहें। जहाँ पे भी, जहाँ से भी देखें तो सीधी नज़र दूर तक जाए। अगर इसकी लाइनें सीधी ना रखें तो जितना ये गहरा होता है नज़र नहीं जाती। ये आप देख सकते हैं, ये पौधा दूसरों की निस्बत थोड़ा सा अलग है। ये लंबा है उनसे, वो तो ज़मीन पर फैले हुए हैं लेकिन ये लंबा है। और ये जो अगला पौधा देख रहे हैं ये छोटा है, ये इन सब से छोटा है। इसे भी फूल लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये माल्टे का बाग है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। ये देखें जी, इस पौधे को सबसे ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। ये तो फूलों से भरा हुआ पौधा, ये आप देख सकते हैं। ये बाग तकरीबन 5 एकड़ में लगाया हुआ है और इसके साथ में ही अमरूद का बाग भी है। अमरूद तो लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें जी, ये इसकी टहनी एक बहुत ऊपर जा चुकी है जी। तो दोस्तों, ये था मेरा व्लॉग माल्टे का बाग। खुदा हाफिज़।